अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हद्स लाइफ इन द यूके। ये मेरा रमज़ान शुरू होने के बाद से पहली वीडियो है मेरी, तो आप सब लोगों को जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की इबादतें कबूल करें, रोज़े नमाज कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी एक डेज़र्ट रेसिपी और चिकन के कबाब की रेसिपी, जो हम दावतों में अगर कभी रमज़ान में दावत रखते हैं तो हम वही बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मैं और हस्बैंड जल्दी जल्दी हम जा करके है ना सारी ग्रोसरी वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है तो हम जाके सब सामान ले आए, और फिर उसके बाद में जो है ये मैंने आटे के साथ बस फौरन से मैंने ये सॉस पैन रखा और इसमें मैंने 500 मतलब आधा किलो जो है वो दूध मैंने गरम पे रख दिया है इसको बॉईल होने के लिए। और उसके बाद जो है इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाला था, और उसमें जो है आपने जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी है वो फ्लोइंग में रखनी है, मतलब आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड के लिए अलग होती है और डेज़र्ट के लिए अलग होती है। तो आपने उसको अच्छे से सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैंने इसमें ले लिया हुआ था और उसको मिक्स करने लगी बाउल में। देखें फिर कितनी अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये आ गया है, और देखें ये मिक्स हो गया कस्टर्ड। और फिर इसके बाद में शक्कर जो है वो मैंने 12 चम्मच ली थी, तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये कच्चे दूध में ही मैंने डाल दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम गर्म दूध में डाल दो ना तो शक्कर तो वो फट जाता है, तो इसलिए जो है उसके बाद में जब ये जैसे ही कच्चा होता है तभी मैंने डाल दिया था, और फिर उसके बाद में दूध बॉयल हो गया और फिर उसके अंदर मैंने कस्टर्ड शामिल कर दिया और उसको मतलब गैस पे से उतार करके और फिर मैं उसको मतलब अच्छे से मिक्स करने लगी। और तकरीबन 3 से 3.5 चम्मच जो है मैंने 3 बड़े चम्मच मतलब मैंने इसमें कंडेंस मिल्क जो है वो मैंने इसमें शामिल किया और उसको खूब अच्छे से मिक्स करने लगी। जाहिर सी बात है रोज़ा था, मैंने कहाँ चखना था, मैं अपने हिसाब किताब से डाली जा रही थी, हालाँकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद में जो है दोबारा से मैंने उसको गैस पर रख दिया और उसको स्टर करने लगी। मेक श्योर करें कि जो अगर आप बना भी रहे हैं इस डेज़र्ट को तो इसकी जो है वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ही रहनी चाहिए। उसके बाद जो है फिर मैंने ब्रेड ले लिए थे और फिर इसके सारे कॉर्नर्स जो हैं वो मैंने साइड से रिमूव कर दिए थे, बिल्कुल पतले से आपने उसको रिमूव करना है। और फिर उसके बाद में जो है इसको मैं सेट करने लगी। ये देखें ये सारे ब्रेड जो हैं ये मैंने इसकी कटिंग करके इसको टेबल पे सेट कर दिया था। और फिर इसके बाद में जो है मैंने डिश लिया, एक सर्विंग डिश, और उसके अंदर मैंने जो है ब्रेड को मैंने पहले से काट करके रख लिया हुआ था, और मैंने ब्रेड की जो है ना कटिंग वैसे ही की थी, पहले से करके रख लिया था मैंने कि मैंने उसका साइज़ देख लिया था कि किस कैसे वो आने वाला है, तो उसकी मैंने सीज़र से जो है वो कटिंग कर ली हुई थी। और फिर उसके बाद में इस मोल्ड में जो है मैंने वो कस्टर्ड की जो बनाया हुआ था हमने वो मैंने तो इसमें जो है उसको डिप कर दिया पूरा, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी में डूबा हुआ नहीं होता बिल्कुल वैसा, तो आपने बिल्कुल मैंने उसको डिप करके और फिर उसके ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते मेरे पास कटे हुए थे पहले से तो वो मैंने उस पर सेट कर दिया, और थोड़े से रोज़ के पेटल्स। और फिर उसके बाद में दोबारा से है ना उसकी एक और लेयर लगाई है मैंने, और उसको भी वैसे ही मैंने बिल्कुल वैसे ही कटिंग की थी जैसे
ये पहले वाला कटिंग किया हुआ था। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला ये डेज़र्ट है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इतना मज़ेदार बना था ना। हमारे घर में दावत थी, हस्बैंड के फ्रेंड आए थे तो वो पाकिस्तान से आए हुए थे, तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर से, मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा और जो गेस्ट आए थे उनको भी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है। और उसको मैंने जो है फिर इससे बादाम और पिस्ते से कट करके, कटिंग वाला बादाम पिस्ता सॉरी करके, और उसके बाद में उसके ऊपर रोज़ पेटल्स जो है वो मैंने उससे उसको गार्निश कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये डेज़र्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और घर वालों से और हस्बैंड से जो है वो अच्छे से तारीफें बटोरिएगा। फिर बारी आती है कबाब की। मैंने कटिंग बोर्ड पे जो है पहले ही ये सारे जो पुदीना और हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है ना, ये मैंने पहले से ही साफ़ करके, वॉश करके हर चीज़ मैंने रख ली थी और उसके बाद में उसकी कटिंग शटिंग करके और रेडी रखा था सारा। और इसमें जो है ना, जो कीमा जो हम लेते हैं वो चिकन का कीमा होता है और वो बिल्कुल रूखा होना चाहिए। मतलब ये कि उसका टोटल पानी जो है ना वो ड्राई आउट होके रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई पानी ना हो। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें आधा जो है हरा धनिया और पुदीना एक एक बाउल जितना, और हरी मिर्चें जो है ना वो मैंने थोड़ी अच्छी सी डाली थी, जैसे 8 से 9 मिर्चें डाली थी, काफ़ी तेज़ थी। और फिर उसके बाद में कसूरी मेथी 1 चम्मच और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चम्मच, और फिर उसके बाद में एक एक से डेढ़ साबुत धनिया और 1 चम्मच जो है चपली कबाब मसाला और 1 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा डाला था इसके अंदर, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाला था। वो थोड़ी सी हॉट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ खाया जाता है। और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जो है गरम मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल करके ना, और उसको खूब अच्छे से जो है फिर मैं मिक्स करने लगी। और इसमें जो है ना सबसे अच्छा ये होता है कि आप है ना इसको मिक्स करते रहें जितना आपसे बन सके। जाहिर सी बात है कि जितना वो मिक्स होगा उतना ही वो और अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है मैंने फिर उसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है वो मैंने इसमें बेसन के मैंने डाले थे, और मुझे ये था कि बेसन की इससे ज़रा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। और 1 से 2 चम्मच जो है मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्सिंग में जो है यही, इसी में ही सारा काम होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा रूखा रूखा है तो आप उसमें थोड़ा सा तेल मिला लीजिए। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि अमचूर पाउडर भी डालना है तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया। तो बड़ा मज़े का लग रहा था वैसे कबाब, और जाहिर सी बात है आपका रोज़ा होता है, चीज़ें इतनी टेम्पटिंग लग रही होती है कि मैं क्या ही बात है। तो बस यही है, और उसको खूब अच्छे से आपने मिक्स कर लिया और आपने इसको ढक करके, फिर मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया हुआ था। उसके बाद में फ्रिज में से निकाल करके ना, फिर उसके बाद में मैंने, ये देखें ये इस तरीके का हो गया था। उसके बाद में मैंने फिर इसकी टिकिया बनाना जो है ना, हाथों में तेल लेकर और फिर इसकी टिकिया बनाना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, कुछ लोगों का है ना ऐसे, ये जो टिकिया बनाते हैं ना ये भी बड़ा डिफरेंट तरीका है। मेरी अम्मी का डिफरेंट तरीके से बनाती हैं और मैं बिल्कुल ही अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे है ना ये इसी तरीके से जो है वो अच्छा लगता है बनाने, और यही आता है मुझे 100 की सीधी बात। तो इसी तरीके का फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम जो है फिर जल्दी से निपटाया, और जल्दी ये देखें कितना अच्छा जल्दी जल्दी से बन गया है सारा। और ये देखें जी, सारा जो कबाब है वो मैंने बना करके रख लिया। देखें जी कितना मज़ेदार लग रहा है ना। इसके बाद जो है मैंने कबाबों को क्लिंग फ्लेम लगा करके ना, मैंने इसको 1 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दिया हुआ था,
और फिर क्योंकि मुझे था कि मैंने शाम में बनाना है और इसके साथ में ही ना मैंने सोचा थोड़ी सी चटनी बना लेती हूँ, तो 2 टमाटर ले लिए थे, 3 लहसुन ले लिए थे और थोड़े बहुत हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें 3 2 ले ली थी सॉरी। और फिर उसके बाद में इनको हमने जो है ग्राइंड करना था, तो टमाटर जो है वो मैंने ना जल्दी जल्दी रफली चॉप किया और उसके बाद में जो है लहसुन को भी फिर मैंने जल्दी से मतलब ऐसे ही क्लीन करके उसका कवर उतार करके और फिर मैंने उसमें मिक्सर में जो है वो डाल दिया था। आजकल चटनियों का भी इतना ज़्यादा आ गया है, वैरायटी आ गई है कि आप पूछे मत। बस एक चटनी देखा तो हस्बैंड ने कहा ये वाली भी बना दो, तो वाली भी बना दी, दूसरी कहा तो वाली भी बना दो। तो आज मैंने सोचा चलें ये एक ना नई नई स्टाइल की थी, तो मैंने सोचा चलें ये मैं बना लेती हूँ। तो लहसुन भी मैंने फिर साफ़ कर लिए थे और उसको फिर मैंने डाल दिया था। अगर आप लोग अगर कोई ट्राई करें, अगर आपने लहसुन नहीं डालना है तो आप ना डालें, कोई बात नहीं, ईजी होता है। लेकिन लहसुन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे खून को जो है वो पतला करता है। तो हरा धनिया पुदीना डाल करके और मिर्चें डाल के फिर उसके बाद में मैंने इसमें नमक और ज़ीरा शामिल किया और फिर उसके बाद में जो है इसको मैंने पीस लिया था। और पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि टमाटर जो है वो खुद ही अपना पानी रिलीज़ कर देगा। ये देखें जी, चटनी बनके तैयार हो गई है, देखें कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपने खाने के टाइम अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो खाने के टाइम पे आप इसमें नींबू निचोड़िएगा ज़रूर। मैंने इसको भी कवर करके जो है ना वो उसको फ्रिज में रख दिया था, मुझे थोड़ी ठंडी जो है वो चटनी अच्छी लगती है तो उसको रख दिया था मैंने। इसको आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, अगर आपने इसमें अगर वाइट विनेगर 1 चम्मच डाल करके और आपने इसको रख देना है तो वो तकरीबन 1 वीक आपके लिए चल जाएगी। अब शाम का टाइम था तो फिर मैंने फिर ये कबाब तल लिए, तो मैंने पहले ही थोड़ा सा जब तेल गर्म हुआ था तो मैंने हल्की इस पर मैंने लगा दिया था और ये कबाब बन रहे हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। कबाबों का अपना ही एक क्रेज़ है सारे लोगों में, तो बस यही चीज़ है। तो हस्बैंड को भी ये बड़ा पसंद है कबाब, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं चिकन के कबाब लाजमी बनाया करो, तो मैं भी खुद चिकन के कबाब की बहुत शौकीन हूँ। तो बस दो फूडी एक साथ मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है। फिर जब हमारे यहाँ जब हस्बैंड के फ्रेंड आए थे तो फिर मैंने यही बनाया था, कबाब पुलाव और मीठा जो ब्रेड पुडिंग है वो बनाई थी मैंने, तो बहुत अच्छा उनको भी लगा। क्योंकि जाहिर सी बात है इंडियन और पाकिस्तानी फूड एक ही जैसा है, लेकिन इंडियन जो फूड है वो बहुत ही वास्ट है, तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और हाथ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बस यही होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।